हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अफगानिस्तान टूर ऑफ आयरलैंड के चौथे T20 इंटरनेशनल्स को। भैया पहले दो मैचेस में तो आयरलैंड ने अफगानिस्तान के घोड़े खोल दिए थे, लेकिन तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने सीरीज बचाई है, 22 रनों से मुकाबला जीता है। और अब बारी है फोर्थ T20 इंटरनेशनल की, जहां अफगानिस्तान पर एक बार फिर गाज गिरने वाली है। आयरलैंड अगर ये मुकाबला जीतती है तो अभी भी सीरीज अपने नाम कर लेगी, वहीं अफगानिस्तान के पास मौका है सीरीज को अभी भी 2-2 से बराबरी पर लाने का। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर कौन सी टीम में है कितना दम और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के साथ, जहां सबसे पहले तो अगर बात करी जाए आयरलैंड की तो भैया पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बॉलबर्नी, लॉर्केन टकर, हैरी टैक्टर, गैरेथ डेलिनी, जॉर्ज डॉकरेल, ये एक ऐसा बैटिंग लाइनअप है जो कि आयरलैंड काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। पॉल स्टर्लिंग टॉप ऑर्डर में रन स्कोर करते नहीं नजर आए हैं, लेकिन कप्तान एंड्रू बॉलबर्नी ने कमान संभाली है और रन स्कोर करते दिखाई दिए हैं। वहीं लॉर्केन टकर हैं टीम के लीडिंग रन स्कोरर, जिन्होंने 3 मैचेस में 108 रन बना लिए हैं। वहीं एंड्रू बॉलबर्नी ने 3 मैचेस में 98 रन बनाए हैं। अब देखा जाए तो हैरी टैक्टर पिछले कुछ मैचेस में फॉर्म में नजर आए थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ चलते दिखाई नहीं दिए हैं। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में हैरी टैक्टर के भी बल्ले से रन निकल सकते हैं। वहीं जॉर्ज डॉकरेल की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मिडिल ऑर्डर में 3 मैचेस में 93 रन ये बना चुके हैं। तो यहाँ पर 3 बल्लेबाज हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉम आयरलैंड। बात करी जाए गेंदबाजों की तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास है कर्टिस कैम्फर, मार्क डायर, ग्राहम होम और जोशुआ लिटिल, जिसमें कि यहाँ जोशुआ लिटिल ने 3 मैचेस में 5 विकेट निकाल लिए हैं। तो वहीं गैरेथ डेलिनी ने 3 मैचेस में 3 विकेट अपने नाम करे हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 5 खिलाड़ी जो कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आयरलैंड की ओर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बारी आती है इनके अपोनेंट्स की, तो भैया यहां पर अफगानिस्तान एक बार फिर आयरलैंड पर भारी पड़ती नजर आ सकती है, जहां पर हजरतुल्ला सजाई ना सही लेकिन रहमानुल्ला गुरबाज टॉप ऑर्डर में मोर्चा संभाले हुए हैं। 3 मैचेस में 80 रन बना चुके हैं और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिलता है इब्राहिम जादरान का, जिन्होंने 3 मैचेस में 82 रन बनाए हैं। और इनका साथ दिया है नजीबुल्ला जादरान ने, जो कि 65 रन बना चुके हैं 3 मुकाबलों में। तो दोस्तों यहां पर ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि अफगानिस्तान की ओर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि मोहम्मद नबी और राशिद खान 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अफगानिस्तान की तरफ से शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं एंड एज एन ऑलराउंडर अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये 2 खिलाड़ी भी आपकी टीम में हो सकते हैं, जहां मोहम्मद नबी ने अगर देखा जाए तो 3 मैचेस में 4 विकेट निकाल लिए हैं। राशिद खान इस बार गेंदबाजी से आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करते नजर नहीं आए हैं। वहीं बात करें दूसरे गेंदबाजों की तो नवीन उल हक ने 3 मैचेस में 5 विकेट निकाल लिए हैं, लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं अफगानिस्तान की ओर से। तो वहीं मुजीबुर रहमान ने 4 विकेट चटकाए हैं 3 मैचेस के अंदर। तो दोस्तों ये बन जाते हैं वो 5-6 खिलाड़ी जो कि अफगानिस्तान की ओर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनल कंक्लूजन, भैया आयरलैंड की ओर से बल्लेबाजी तो नजर आई है, लेकिन गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। वहीं अफगानिस्तान की ओर से 3 ऐसे गेंदबाज आपको बता दिए हैं, मोहम्मद नबी, नवीन उल हक और मुजीबुर रहमान, जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और विकेट्स निकाल रहे हैं। तो इस लिहाज से साफ तौर पर देखा जाए तो अफगानिस्तान अब थोड़ी बैलेंस टीम दिखाई दे रही है, टॉप ऑर्डर में रन स्कोर करती है तो डेफिनेटली आयरलैंड को हराने में सक्सेसफुल हो सकती है। टॉकिंग अबाउट द पिच रिपोर्ट दोस्तों, पिछले 3 मुकाबलों को अगर हम कंसीडर करें तो पहले 2 मैचेस आयरलैंड ने जीते थे फर्स्ट बैटिंग करते हुए, तो वहीं सेकंड बैटिंग करते हुए, तो वहीं अफगानिस्तान ने तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच जीता था 22 रनों से, यानी कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए। सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में नो डाउट सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का बोलबाला रहता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान आती है अपने पूरे फॉर्म में तो चाहे वो फर्स्ट बैटिंग करे या सेकेंड, जीत अफगानिस्तान की जरूर होगी। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी राय हमें जरूर दें कि इस मैच को लेकर आपके जहन में कौन सी टीम है जो कि ये मुकाबला जीतने वाली है। क्या आयरलैंड जीत रही है ये सीरीज या फिर अफगानिस्तान करने वाली है 2-2 से सीरीज में बराबरी? जवाब जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करते जाइएगा। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।